नमस्कार आदाब, मैं हूं हामिद सैफी और आप देख रहे हैं 1024 न्यूज। एक तरफ जहां पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के बागपत से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। उत्तर प्रदेश की बागपत पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो न केवल कोरोना संक्रमण को दावत दे रहा था बल्कि इंसानियत को भी चूर चूर कर रहा था। जी हाँ, एक ऐसा गैंग जो शमशान घाट में कब्रिस्तान से मुर्दों के ऊपर डाले गए कफन, चादर आदि अन्य कपड़ों को उठाकर बाजार में बेचा करते थे। सुनकर आप चौंक गए होंगे कि क्या ये सच है? जी हाँ, यही सच है। आपको इस पूरे गैंग की कहानी हम विस्तार से बताते हैं। बागपत से हमारे संवाददाता फुरकान जंग की ये खास रिपोर्ट देखिए। दरअसल मामला बागपत के बड़ौत कोतवाली क्षेत्र का है, जहां सीओ बड़ौत आलोक सिंह ने एक खुलासा किया है जिसमें कपड़ा व्यापारी समेत उसके अन्य साथी मिलकर शमशान घाट कब्रिस्तान से मुर्दों के कफन व चादर आदि कपड़ों को चुरा लेते थे। यही नहीं, उन वस्त्रों को चुराकर प्रेस करके ग्वालियर कंपनी का मार्का लगाकर बाजार में बेचा जाता था। बताया जा रहा है कि यह कार्य पिछले 10 वर्षों से ये लोग करते आ रहे हैं, जिसके लिए पकड़े गए इन लोगों को कपड़ा व्यापारी 24 घंटे यानी रोजाना का 300 रुपया मजदूरी भी दिया करता था। बड़ौत पुलिस ने कपड़ा व्यापारी प्रवीण जैन समेत उसके बेटे आशीष जैन, भतीजा ऋषभ जैन व अन्य राजू शर्मा, श्रवण शर्मा, बबलू कश्यप, शाहरुख खान, कुल 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं इनके द्वारा कोविड-19 महामारी के संक्रमण फैलाने जैसा खतरा भी नजर आ रहा है। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से पुलिस ने 520 सफ़ेद व पीली चादर, 127 कुर्ता, 140 सफ़ेद कमीज, 34 सफ़ेद धोती, 12 गरम शॉल रंगीन, 52 धोती महिला, 3 रिबन के पैकेट, 158 रिबन ग्वालियर, 1 टेप कटर, 112 ग्वालियर कंपनी के स्टिकर भी बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपियों पर बड़ौत पुलिस ने धारा 188, 269, 270, 457, 380, 411, 420, 467, 468, 471 व महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। थाना बड़ौत पुलिस को बार बार ये शिकायत प्राप्त हो रही थी कि एक दुकान से कुछ लोग जो कपड़ा का व्यापार करते हैं, वह शमशान घाटों से मृत व्यक्तियों के कपड़े चुराकर उनको धोकर वे उन पर फर्जी स्टिकर लगाकर ग्वालियर की किसी कंपनी का फिर नए के रूप में बेच रहे हैं। इस प्रकार की शिकायत पर बड़ौत थाने की टीम ने कल 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक ही परिवार के प्रवीण जैन, आशीष जैन, ऋषभ जैन हैं और बाकी उनके 4 अन्य साथी हैं। और उनसे इस टाइप की जो मृत व्यक्तियों के शमशान से चुराए हुए कपड़े और चादर व गर्म शॉल और ग्वालियर कंपनी के कुछ रिबन व स्टिकर और ब्रांड लेवल, यह सब बरामद हुए हैं। इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इन्हें जेल भेजा जा रहा है। थाना बड़ौत में या कस्बे में ये शिकायत बार बार प्राप्त हो रही थी कि एक दुकान से कुछ लोग जो कपड़े का व्यापार करते हैं, वो शमशान घाटों से जो मृत व्यक्तियों के कपड़े चुराकर उनको धोकर और पुनः उस पर फर्जी स्टिकर लगाकर ग्वालियर की किसी कंपनी का लगाकर फिर नए के रूप में बेच रहे हैं। इस प्रकार की शिकायतों पर बड़ौत थाने की टीम ने कल 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक ही घर के प्रवीण कुमार जैन, आशीष जैन और ऋषभ जैन हैं और बाकी उनके 4 अन्य साथी हैं। और उनसे इस टाइप के जो मृत व्यक्तियों के शमशान से चुराए हुए कपड़े और चादरें, गर्म शॉल और ग्वालियर कंपनी की कुछ रिबन और स्टिकर और जो ब्रांड के उसके लेबल, ये सब बरामद हुए हैं। इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेजा जा रहा है। क्या ये कोरोना जो मरीज आते हैं उनके भी कपड़े? ये जो भी शमशान में शवदाह के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ सभी के कपड़े ये इस तरीके से करके नए करके बेचते हैं धोके। किस तरीके से पता लगा है? पुलिस को काफी दिनों से ये शिकायत प्राप्त हो रही थी, इस पे पुलिस ने एक्शन लिया है। कितने कपड़े बरामद हुए? इससे काफी मात्रा में चादरें, पुरुष महिलाओं के कपड़े और गर्म शॉल
और कई बंडल बरामद हुए हैं कि पूरी दुकान की तलाशी ली जा रही है और दुकान को जब तक सील किया गया है। पुलिस को काफी दिनों से ये शिकायत प्राप्त हो रही थी, इस पर पुलिस ने एक्शन लिया। इनसे काफी मात्रा में चादर, पुरुष व महिलाओं के कपड़े, गर्म शॉल, कई बंडल भी बरामद हुए हैं। इनकी दुकान की तलाशी भी ली जा रही है, जब तक की दुकान को सील किया गया है। यह ग्वालियर की किसी कंपनी का लेबल लगाकर इन कपड़ों को बाजार में सप्लाई किया करते थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ टाइम 24 न्यूज पर। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।